के बारे में बताता हूँ और मैं कैसी जगह रहता हूँ ये आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमारे घर के आगे मंदिर है और ये जो दिखाई दे रहा है टिन सेट, यहाँ पर हमारी बकरी रहती है। ये आसपास हमारी जगह है सारी जितनी भी दिखाई दे रही है। ये देखिए नीचे ये सीढ़ीदार खेत होते हैं, यहाँ पे ये धान बोने के लिए तैयारी चल रही। यहाँ पे बीज भी रखा है, ये जो हरा सा दिख रहा है खेत में, ये मेरा घर है। ये देखिए और ऊपर पहाड़ के बीच में से रोड जा रही और इस पहाड़ में हिरन हिरन बहुत होते हैं। ये सारा अपने इलाका है और ये सामने नदियाँ आ रही, दो तीन एक नदी आती है ऊपर से। और जो ये पहाड़ टॉप दिखाई दे रहा है यहाँ पे पहुँचने पर हमें कम से कम 4-5 घंटा लगेगा और रोड पे पहुँचने में 1 घंटा टाइम लगेगा। और ये देखिए यहाँ पे ये जितने नीचे खेत दिखाई दे रहे हैं सब अपने खेत हैं ये। और यहाँ पर लकड़ी जलाते हैं, गैस भी है हमारे पास और लकड़ियाँ ही ज़्यादा जलाते हैं यहाँ। सर्दियों में बहुत सर्दी होती है। और ये देखिए ऊपर पहाड़ में घास काटते हैं गाय बकरी के लिए। और ये सामने घर हैं, बहुत दूर हैं वो, कम से कम 500 मीटर दूर हैं। और ये पार भी है 700-800 मीटर दूर, दूर दूर घर होते हैं यहाँ पहाड़ में। और पेड़ पौधे हरे भरे। यहाँ पे बच्चों की छुट्टी लग गई थी 26-27 तारीख को, हम 1 तारीख को आ गए थे, अभी 20 तारीख हो गई है। तो यहाँ पे एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि जिस दिन बारिश नहीं हुई। ये देखिए चारों तरफ हरा भरा है। ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है यहाँ पे भी झरना आता है। आइए दोस्तों मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ। एक मेरा रूम है, मैं दिखाता हूँ। टीवी लगा हुआ है और एक ड्रॉअर में देखिए यहाँ मेरे सारे टेलीस्कोप हैं, राइफल के हर प्रकार के टेलीस्कोप यहाँ रखे हैं मैंने, 1, 2, 3, 4, 5 तो यहीं पे हैं। और ये हमें मेरा अमुनेशन रखने की जगह बना रखी है, राइफल अमुनेशन। ये देखिए और ये मेरे ऊपर अमुनेशन है, सारे पीपीयू के मिलेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और ये देखिए राइफल साफ सूफ करने का ऑयल ऑयल सारा कुछ मैंने रखा है, एयर गन पैलेट और नाइफ, मेरे पास एक से एक नाइफ है। ये देखिए और मेरे पास एयर पिस्टल भी है, मैं बाद में इसकी भी वीडियो बना के भेज दूँगा आप लोगों को। ये देखिए ये जितने भी ड्रॉअर हैं सारे, इसमें सारा मेरा इसी का सामान भरा हुआ है। आइए दोस्तों आपको मैं पीछे भी दिखाता हूँ। ये हमारे 2-3 किचन है यहाँ पे पीछे साइड। और ये अपना डॉग है, यहाँ पे पटाल के ऐसे नीचे बिछाए होते हैं। और ये डॉग है अपना, छोटा सा अभी बच्चा है ये, बहुत शिकारी है। और ये हमारा यहाँ बरामदा भी है, किचन भी है, ऊपर छत है। और चारों तरफ ये देखिए कितना हरा भरा है यहाँ पे। मौसम अभी भी बना हुआ है, बारिश कभी भी हो सकती है यहाँ पे। ये अपना पानी का नलका है, यहाँ पे फुल प्रेशर पानी लगातार आता है और इसका कोई बिल भी नहीं देना होता है क्योंकि ये गांव का ही पानी है। और इसका TDS बहुत ही अच्छा रहता है, मिनरल वाटर के बराबर रहता है, 14-15 रहता है इसका। और आगे देखिए आगे भी अपना घर है, वहाँ पर गाय भैंस है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अरबी, गन्ना, टमाटर, बैंगन सारे ये लगा रखे हैं, मिर्ची। ये देखिए ये सब सब्जी लगी हुई है अभी, ये बहुत अच्छा बीन्स। और यहाँ पे मैं माल्टा, एक ककड़ी खीरा, एक करेले और ये आलू का पेड़ और ये माल्टा, यहाँ पर फूलों का पौधा। और ये देखें यहाँ पे बहुत सारी लकड़ी काट के रखी हुई है अपने हमने, ये सर्दियों में काम आती है। ये देखिए आसपास हमारा ऐसा दिखता है। और ये जो यहाँ से नीचे तक खेत दिखाई दे रहे हैं ये सारे अपने खेत हैं, ये सारे पेड़ अपने हैं। ये पेड़ हम अपने गाय भैंस के चारे के लिए यूज़ करते हैं। घर देखिए कितना दूर दूर है, यहाँ से मुंशारी 50-60 किलोमीटर दूर है, मुंशारी भी एकदम नज़दीकी है यहाँ, 1-2 घंटे का रास्ता है हमारा। और ये देखिए ये नीचे भी हमारा घर है, 2 रूम उधर को है, 2 रूम अंदर को है, 1 रूम ये है, 1 रूम इधर पीछे है, अभी तैयार नहीं हो रखा है, ये ऊपर भी है। ये अपने बाथरूम है, बाथरूम यहाँ अलग होते हैं, कमरे के साथ अटैच नहीं होते हैं। तो अपना
ये देखिए दोस्तों, ये अपने गाय का पिछले साल का बछड़ा है और ये गाय अभी बच्चा देने वाली है। अपने पास दो गाय हैं और गाय बहुत सीधी सादी गाय है, ये देखो कुछ नहीं करती। इसके थन दूध देने वाली गाय है, अभी बच्चा होने वाला है इसका, फिर दूध देगी ये गाय। ले दो भैंस भी हैं, वो भी बच्चे देने वाले हैं। यहाँ पर अपना गौशाला है, ये घर है पुराना अपना, ये देखिए नया घर उधर है अपना साइड में, और ये गौशाला है यहाँ पे गायों के लिए। और ये देखिए यहाँ पे हम गाय भैंस को बांधते हैं, हमारे पास दोनों भैंस भी। ये देखिए जितनी भी जगह दिखाई दे रही है नीचे तक, जहाँ से ये बोरख है, यहाँ से लेके यहाँ ऊपर तक, यहाँ तक ये अपना खेत है, जहाँ से वो बोया हुआ है वहाँ से नीचे किसी और का खेत है, चारों तरफ हरा भरा है। ये रुपाई लगाने की तैयारी हो रही है यहाँ पे अभी। और ये देखिए ये माल्टा का पौधा है, यहाँ पे ये थोड़ा बो रखा है, और ये मक्के भी लगा रखा है, सारा कुछ है यहाँ पे। और ये केले के पौधे, और हमारे पास हमें पैदल 3-4 किलोमीटर यहाँ पे हमारा स्कूल है, यहाँ जाना पड़ता था, एक गांव का स्कूल है इस टॉप पे।